एफआईओ के तरफ से जांच जो है जारी कर दी गई है। दोस्तों आपको बता दें कि पीसीएल का भुगतान शुरू हो चुका है। जी हां दोस्तों, पीसीएल के भुगतान के कारण ही अब जो है निवेशक में भुगतान की मांग और तेज़ी से बढ़ती जा रही है। और सहारा इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड, सहारा हाउसिंग लिमिटेड, सहारा गोल्ड हाउसिंग लिमिटेड, दोस्तों कहीं ना कहीं आपको बता दें कि यह जो है बहुत ही बड़ा न्यूज निकला कि आखिरकार भुगतान नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है, कब तक होगा भुगतान, कैसे होगा भुगतान, सब कुछ बताएंगे। लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। दोस्त आपको बता दें कि वीडियो में जो है आपको यह बहुत ही बड़ी न्यूज निकली है कि सहारा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जो है सेबी, दोस्तों सेबी बोल रही है कि हम मतलब हम अब भुगतान करने वाले हैं। दोस्तों जहां पर आपको बता दें कि जो है बैठक हुई थी और वहां पर ये एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ भारतीय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने यह बोला था कि हाँ हमने जो है हमको सहारा से जो पैसा मिला था वह पैसा हमने निवेशक को दे दिए और निवेशकों का भुगतान कर दिए थे। आखिरकार जो है अब भुगतान क्यों नहीं हो रहा, भुगतान में क्या देरी है, हमको फिर से भुगतान के लिए यदि पैसा दिया जाएगा तो हम भुगतान कर देंगे। दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक का भी यही हाल है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के तरफ से निकल कर के आया है कि जो है जनवरी में यानी कि तो नहीं हो पाया लेकिन फरवरी में भुगतान स्टार्ट कर देना चाहिए, निवेशक परेशान है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह निकल कर के आई है 31 मार्च तक जो है भुगतान होगा। आखिरकार फिर से जाँच हो रहा है, प्रॉपर्टी जब्त हो रही है। और दोस्तों आपको बता दें कि बड़ी बड़ी जो है कंपनियाँ हैं सहारा के, जितने भी एजेंट लोग हैं यानी कि डायरेक्टर लोग, उनका भी संपत्ति जब्त हो रहा है और उसके बाद निवेशक को जो है भुगतान किया जाएगा। दोस्तों कहीं ना कहीं आपको बता दें भुगतान को लेकर के आए दिन में धरना प्रदर्शन आंदोलन, यह मांग और तेज़ हो गई है। पीसीएल में भुगतान तेज़ हो गया है और दोस्तों अब जो है सहारा की बारी है। सहारा पर अब जो है भुगतान बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। जब तक कोई भुगतान नहीं तब तक कोई ढिलवाई नहीं, पहले भुगतान फिर जाके मतदान। दोस्तों